नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बिहार और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। सबसे पहले बात करते हैं पटना की, जहां भोजपुरी गायिका अंतरा सिंह ने केस दर्ज करवा दिया है। भोजपुरी में अश्लील गाना गवाने का आरोप लगाया है अंतरा सिंह ने। कंकड़ बांध थाने में ये मामला दर्ज करवाया गया है। स्टूडियो के मालिक समेत 3 लोगों पर केस दर्ज किया गया और पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच में जुट गई है। अंतरा सिंह पहले भी इस गाने का विरोध कर चुकी हैं। अश्लील पोस्टर छपवाने का भी आरोप उन्होंने पहले भी लगाया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर पटना में भोजपुरी गायिका अंतरा सिंह ने केस दर्ज करवाया है। भोजपुरी में अश्लील गाना गवाने का आरोप उन्होंने लगाया, वहीं पर कंकड़बाग थाने में इन्होंने केस दर्ज करवाया है। स्टूडियो के मालिक समेत 3 लोगों पर केस दर्ज करवाया है अंतरा ने। आपको बता दें, पुलिस पूरे मामले की जांच में फिलहाल जुट चुकी है कि आखिर क्या ये पूरा मामला है, क्या कोई जोर जबरदस्ती यहां पर की गई थी इस गाने को गवाने के लिए। गायिका के साथ अंतरा सिंह पहले भी इस गाने का विरोध कर चुकी हैं और एक बार फिर से वो विरोध करती हुई नजर आई, आरोप लगाती हुई नजर आई। अश्लील पोस्टर छपवाने का भी उन्होंने आरोप लगाया है। एक साथ हम सब लोगों को नहीं ना समझा सकते हैं कि हम इसमें ऐसे किए हैं, एक साथ हम नहीं समझा सकते हैं सब, लेकिन ये गंदा गाना, वो गाना हमसे गवा लिया। उसके बाद मेरे गाने के बाद लड़का का लाइन था, काहे देत बारू गाड़ी ये मोर प्यारी, और मेरे आने के बाद उस पर इतना गंदा शब्द गा दिया कि हम बता नहीं सकते। इसलिए हम इसका फोटो कॉपी लेके आए, ये शब्द गा करके हमको बदनाम किया जा रहा है। देखिए ये है, फिर उसके बाद ये है, इतना साइड पे चढ़ा है ना कि हम इतना नहीं निकलवा पाए। तो चलिए, खुद भोजपुरी गायिका अंतरा सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, उनसे ही बातचीत कर लेते हैं, जान लेते हैं क्या कुछ है पूरा मामला। अंतरा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड पर। जो मामला सामने आया, भोजपुरी गायिका यानी कि आपने ये केस दर्ज करवाया है, जो स्टूडियो के मालिक थे उनके खिलाफ, पहले भी आप इस गाने का विरोध कर चुके हैं, आखिर क्या हुआ था आपके साथ, आप खुद ही बताएं। वैसे तो मैम हम हमेशा गाना गाते हैं, आज तक बहुत सारा गाना हमने गा चुका है, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। और एक दिन मुझे कॉल आया शारदा स्टूडियो से, संजीत मरहोशी ने मुझे कॉल किया और बोला मैडम एक गाना गाना है, आप आ जाओ स्टूडियो। मैं स्टूडियो गई, वहाँ पे संजीत मरहोशी था और दिलीप सिंह राजपूत जिसकी एक कंपनी है दास गणेशा है, और वो सिंगर भी था तुफानी लाल यादव। बोला एक गाना है, मैं बोली कि पहले आप लिरिक्स मुझे दिखाओ। मैं लिरिक्स देखी तो मुझे पसंद आ गया, क्योंकि लड़की का भी लाइन सही था और लड़का का भी लाइन सही था। हम रिकॉर्डिंग कर लिए, लड़का भी रिकॉर्डिंग कर लिया तूफानी लाल यादव। उसके बाद बोले रिकॉर्डिंग हो गई, आप घर चली जाओ। मैं घर चली आई, उसके बाद जस्ट 2-3 दिन के बाद वो यूट्यूब पे आता है। तो लड़का का जो था काहे देत बारू गाड़ी ये मोर प्यारी के जगह वो चेंज कर दिया, मेरे आने के बाद लिख दिया कि काहे देत बारू गाड़ी ये मंगिया जारी। मंगिया जारी भी एक गंदा शब्द होता है, ये गाया तो उससे भी मैं कुछ नहीं बोली, बोली कि मुझे परेशानी हो जाएगी। फिर मैं उसको बोली तो वो धमकी उमकी भी देता था कि अभी तो इतना ही हुआ है। जब देखा कि ये बदनाम नहीं हो पाई, उसके बाद मंगिया जारी भी रिलीज किया, उसके बाद फिर मेरा आवाज वही था, फिर उसी स्टूडियो में गाया। इस तीनों ने मिल करके उसको ऐसा शब्द गाया है जहां से वो इस दुनिया में आया है, मतलब स्त्री का समझिए कि गुप्त जो प्राइवेट पार्ट जी, उसका वो यूज करके गाया है। उसको शर्म होना चाहिए उस इंसान को, मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। बताइए हम अपने फैंस को कैसे समझा पाएंगे, एक साथ सबको कैसे समझा पाएंगे। लोग बोलते हैं आपकी भी आवाज है तो आपके मर्जी से ये हुई होगी, लेकिन उनको कैसे समझाएंगे। लिरिक्स मेरे पास है, हम फोटो खींच लिए थे उस गाने का और ये लोग मेरे साथ ऐसे किया। इतना कौन कौन शामिल है इसमें, स्टूडियो मालिक पर आपने आरोप लगाया है, 3 लोगों पर आपने केस दर्ज करवाया, अन्य 2 लोग कौन है। दो लोग जो इसमें पैसा लगाया, इस गाने में जो पैसा लगाया, म्यूजिक का पैसा दिया है, लिरिक्स का पैसा दिया है, और एक स्टूडियो वाला है जो इस गाने का रिकॉर्डिंग करवाया है। जब स्टूडियो वाला साथ नहीं देता तो मेरे आवाज में छेड़छाड़ नहीं होती, क्योंकि डाटा उसी के पास होता है जिसके पास रिकॉर्डिंग होती है। दूसरी बार है जब इस गाने पर आपने विरोध जताया है, इसके साथ छेड़छाड़ कर YouTube पर अपलोड किया गया, और अब आपने अंतरा जी केस आपने यहाँ पर दर्ज करवा दिया है, पुलिस क्या कुछ कह रही है। पुलिस, हम तो कंकड़बाग थाने में यहाँ पटना में गए जहाँ पे घटना हुई, वहाँ गए तो उनका कहना है कि मुझे समझ में नहीं आ रही है, कुछ लिखित बताओ। उनको उतना वो क्लियर नहीं समझ पा रहे थे। पोस्टर को लेकर भी आपने आरोप लगाए हैं, पोस्टर पे भी आपने विरोध जताया है,
क्या कुछ पोस्टर्स के साथ भी यहाँ पर किया गया? तो आप यूट्यूब छेड़छाड़ अंतरा सिंह के नाम से देख लीजिए, इतना मतलब आज तक मतलब 20 लाख से भी ज्यादा लोग देख चुका है मेरा गंदा गंदा फोटो लगा के, मतलब कैसा कैसा फोटो लगा करके, समझिए कि हम मुंह दिखाने के लायक नहीं है। हम बाहर हम स्टेज भी करते हैं, सिंगर होने के नाते हम स्टेज प्रोग्राम भी करते हैं, वहाँ पे हम जा नहीं पा रहे हैं, क्या हम मुंह दिखाएंगे उन लोगों को कि हमने ये गंदा गाना गाया है। लेकिन वो लोग मेरे साथ ऐसा किया मुझे बदनाम करने के लिए, मुझे मार्केट से गिराने के लिए। बिल्कुल, स्ट्रीट पोस्टर्स पर भी आपने सवाल उठाए, साइबर सेल का ये मामला हो जाता है, क्या आप गए अधिकारियों के पास, उनका क्या कुछ कहना है, क्या कोई कार्रवाई की जाएगी? मैडम आज मैं वहाँ जाने वाली हूँ, आज मैं 10 बजे यहाँ से निकलूंगी, वहीं मैं जाने वाली हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, जुड़ने के लिए। तो खुद गायिका अंतरा सिंह हमारे साथ जुड़ी, उन्होंने यहाँ पर क्या कुछ कहा आपने सुना, जहाँ पोस्टर्स भी उनके अश्लील अपलोड किए गए YouTube पर, तस्वीरें जिनको 20 लाख से ज्यादा लोगों ने अब तक देख लिया है, विरोध लगातार जताती रही हैं, लेकिन अब पुलिस क्या कुछ कदम उठाएगी, साइबर टीम क्या कुछ कदम उठाएगी, ये देखने वाली बात होगी। संजय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अधिक जानकारी के लिए उनका रुख कर लेते हैं। संजय, आपने सुना होगा अभी क्या कुछ कहा खुद भोजपुरी गायिका ने, लगातार उनकी ओर से विरोध जताया जा रहा था, लेकिन उसके बाद दो बार स्टूडियो मालिक ने इस गाने के साथ छेड़ छाड़ की, जो गाना एक प्रॉपर तरीके से गाया गया था, एक साफ सुथरा गाना, उसने अश्लील रूप दे दिया गया दो बार एडिट करके। बिल्कुल पूजा, जैसा कि जो भोजपुरी गायिका अंतरा सिंह है वो जी बिहार झारखंड के माध्यम से लोगों तक यह संदेश पहुंचाने की कोशिश किया है कि हमारे साथ जो बदनामी, जानबूझकर बदनाम करने के लिए साजिश की गई है, तो ये सबसे बड़ा बात है जिससे किसी भी महिला को इस तरीके से बदनाम नहीं करना चाहिए। और इसमें जो आरोप लगाया है ये सही आरोप है या गलत, ये तो अब जांच का विषय है। लेकिन जबरन जो है बलवगर गाना जो है गंवाने का आरोप लगाया है और स्टूडियो के मालिक समेत कंपोज करने वाले 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज है, और जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि ये पटना के SSP के पास जाएंगे, तो इससे पहले थाना अध्यक्ष को ही इस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी और तुरंत अविलंब कार्रवाई करनी चाहिए थी किसी महिला की बात को लेकर के। और ये सबसे बड़ा बात है कि इनकी जो फोटोज हैं वो सब वायरल कर दिए गए हैं और कई जो इनके फैंस हैं वो काफी इन चीजों को लेकर के, कई बार उनके फोन भी आ चुका है, तो इसको लेकर के एक पुलिस को तत्परता दिखानी चाहिए थी और उसे अब तक की जो है कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कहा है और पुलिस ने और नहीं कुछ। संजय, क्या कुछ कह रही है पुलिस, क्या साइबर क्राइम के तहत केस दर्ज किया गया है? अब बिल्कुल, जैसा कि अभी अंतरा सिंह ने भी बताया कि पुलिस खुद नहीं समझ पा रही है कि मुझे मैं कहना क्या चाह रही हूँ, लेकिन इस तरीके का मामला कहीं भी सामने आता है तो ये यहाँ के पदाधिकारियों का भी सख्त निर्देश। चलिए ठीक है, बिल्कुल देखने वाली बात होगी अब पुलिस क्या कुछ कदम उठाएगी। आज SP से भी मुलाकात की बात वो कह रही है, उसके बाद क्या कुछ रुख SP का रहेगा कार्रवाई को लेकर, वो देखने वाली बात। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए संजय आपका।